और हर एक के अंदर बहुत कमियां है, मेरे अंदर हजारों कमियां, लाखों कमियां है। मेरी मम्मी रोज मुझे सुबह उठ के बोलती है ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं खाता, से लेके जो बचपन में हम डांट खा रहे थे अभी तक खाते हैं। हर आदमी डिमोटिवेट होगा, आप अपने आप को वापस पिकअप करते हो। ह्यूमिलिटी रखो, ह्यूमिलिटी आज के दिन बहुत ज्यादा है। एरोगेंस नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, वरना ये लाइफ है ये आपको एक बार बहुत बढ़िया तरीके से गलत करेगी, फिर ह्यूमिलिटी आएगी। मेरे पर यार अगर बिलीव रखोगे तो अगले 5-6 साल के अंदर थोड़ा 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 करके आप अपने गोल की तरफ यार पहुंच रहे होगे। थैंक यू सो मच अमन चैलेंज पे आने के लिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस कॉन्वर्सेशन फॉर अ रियली लॉन्ग वाइल। अक्सर आपसे वीडियोस पे एंड दूसरे लोगों के थ्रू मुलाकात होती है, आज पहली बार रूबरू हो रहे हैं। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। सबसे पहले शुक्रिया बुलाने के लिए अंकुर आरुकी जी, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और कोशिश करेंगे आज जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को दिख रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मैं दे पाऊँ, और आपसे मिलकर बहुत बढ़िया लग रहा है। और शुरुआत करते हैं इस सेशन का। तो यार ये कॉन्वर्सेशन जो है ना अमन, ये मैं लोगों के पैसे के साथ के रिश्ते के उस समझने के लिए करता हूँ। अक्सर मैं कंटेंट बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस पे कि इन्वेस्ट कहाँ करें, ये सब करें, लेकिन आई हैव रियलाइज्ड कि हर एक इंसान की जो ग्रोइंग अप ईयर्स के एक्सपीरियंस होते हैं पैसे के साथ, कैसे उनके माँ बाप उनको सिखाते हैं, दोस्त से सीखते हैं, खुद अपनी गलतियाँ करके सीखते हैं, उससे हमारा एक अपना एक्सपीरियंस बनता है। आप बहुत यंग हैं, आप 24 ईयर्स के ही हैं, मैं 42 का हूँ, मैं बहुत गलतियाँ कर चुका हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत अच्छे से करी है। बट मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ग्रोइंग अप हाउ वॉज इट? क्या आप बहुत सारे पैसे के साथ ग्रो करें कि नहीं, मुश्किलों के साथ ग्रो करें? आपका पैसे के साथ का रिश्ता कैसा था अमन? पैसे के साथ का रिश्ते की बात करें तो मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, और राजस्थान में ही हमेशा से पूरी फैमिली रही है। फिर पापा की जो जॉब है वो दिल्ली के अंदर हुई, तो फिर बचपन के बाद अपनी स्कूलिंग यहाँ से करी बची हुई, और यहाँ पे पापा ने बचपन से स्पोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व रखा, क्योंकि हमारे घर के अंदर या तो जो बच्चा होता है वो फौज या पुलिस के अंदर जाता है या फिर वो जाता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो लगभग 10th क्लास तक मुझे स्पोर्ट्स वगैरह खिलाया गया, और अगर देखें तो मम्मी हाउसवाइफ थी, पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, तो मतलब ठीक है, बहुत कोई ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, हाँ, और बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं था कि मेरे को बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रगल करनी पड़ी। मेरे को सारी सुविधाएं, मैं बोलूँगा मुझे अच्छे से स्कूल में पढ़ाया गया, और मुझे इंजीनियरिंग की कोचिंग भी दिलाई गई, और इंजीनियरिंग के कोचिंग के बाद मेरा NSUT के अंदर एडमिशन हुआ, IT ब्रांच के अंदर। पापा का गोल था कि गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर ली जाए, और मम्मी का गोल था सीरियल देख के कि थोड़ा सा सूट वूट पहन के बच्चा अपना अच्छी सी जॉब कर ले जाए और शाम को घर वापस टाइम पे आ जाए, सैटरडे संडे ऑफ मिल जाए। तो इसी गोल के साथ हम कॉलेज के अंदर गया, और पहले बड़ा दुख था कि यार IIT के अंदर एडमिशन नहीं मिला। फिर किसी ने कहा कि NITs, IIIT जैसे कॉलेजेस होते हैं इधर, कंप्यूटर साइंस में ठीक पैकेजेस होते हैं। फिर किसी ने बताया NSUT में हमारे 8 सीनियर थे जिनका 1.25 करोड़ का पैकेज गूगल में लगा था, तो फिर लगा कि हाँ चलो इस कॉलेज के थ्रू भी कुछ तो कर लेंगे, सीनियर ने 1.25 करोड़ कराया तो हम भी यार जोर लगाएंगे, कुछ तो लेके आएंगे, हम तो नेक्स्ट हैं उनके। तो वहां से धीरे धीरे शुरुआत करी, पर हाँ कभी भी घर वालों ने एज सच ज्यादा पैसे नहीं दिए। अभी भी याद है कि स्कूल में होते थे और किसी दिन अगर 5 रुपए मिल गए तो मैंगो बार आ जाती थी, और 10 रुपए मिल गए तब तो भाई लॉटरी हो गई, क्योंकि अब इसमें चौकों पर आ सकती है। और जब 11th 12th कोचिंग जाया करते थे, मैं अभी रिसेंटली डिस्कस भी कर रहा था इसे अपने को फाउंडर के साथ, मैंने कहा यार मैं पीतमपुरा की तरफ जा रहा था किन्हीं क्रिएटर से मिलने, और उसी दौरान मुझे एक बस मिली जो चलती है TMS बस, जिसमें मैं 11th 12th में अपनी कोचिंग करने जाया करता था पीतमपुरा। तो मैंने कहा यार इस बस में बैठ के जाया करते थे, लगभग 1-1.5 घंटे का सफर होता था, 15 रुपए में ग्रीन वाली बस की टिकट मिल जाती थी जो कि नॉन एसी होती थी, और 25 रुपए में एसी वाली मिलती थी, तो हमेशा से 15 रुपए वाली पकड़ी थी जिससे कि 10 रुपए बच जाए। और शाम को हमारी कोचिंग होती थी 8-9 बजे खत्म। अब रात को 8-9 बजे इतनी चॉइसेस नहीं मिलती, मतलब जो बस पहले आ जाए आप वो पकड़ते हो, और अगर 25 रुपए वाली एसी वाली बस आई ना तो फिर सीट पकड़ के रिवाइज करना स्टार्ट कर देते थे, क्योंकि अगर महंगी टिकट ली है तो अब इसको वसूलना भी है, तो अच्छे से अपना रिवीजन कर लेते हैं। तो पेरेंट्स ने हमेशा से ये ध्यान रखा कि भाई मेरे को हमेशा पैसे की कदर हो, और बस यही है, कभी ज्यादा हाथ खुलने नहीं दिए, पर हाँ उन्होंने पढ़ाई में कोई कमी भी नहीं आने दी। बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत। आपकी TMS से मुझे भी अपनी तीव्र मुद्रिका की सारी कहानियां याद आ गई। मैं भी दिल्ली में पढ़ा, बड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाता था नॉर्थ कैंपस, और वहाँ मुद्रिका
540, 447, यही पूरी ज़िंदगी लगती थी इन्हीं बसों में, घंटों बीत के हमने पढ़ाई करी है, दोस्त बनाए हैं। एंड आई सो अंडरस्टैंड ये 15-25 रुपए वाली ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन की, रेड लाइन की कहानियाँ, विच यूज़ टू बी देयर, वंडरफुल यार। एंड क्योंकि दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आपके आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, मम्मी चाहती थी कि कॉर्पोरेट जॉब मिले, अच्छे से सूट बूट पहन के बेटा अच्छा कमाए। व्हेन यू वर ग्रोइंग अप एंड आपकी ये पूरे एक्सपीरियंसेस थे, आप अपने लिए क्या चाहते थे? मैं सबसे पहले जब बचपन में मेरे को 3rd क्लास से लेके 10th क्लास तक मेरा लॉन टेनिस के साथ एक हमेशा कोचिंग होती थी दिन में 3-4 घंटे। तो पहले से तो ये चाहते थे कि यार कुछ लॉन टेनिस के अंदर अच्छा सा करें, पर जैसे ही 10th क्लास के अंदर आए तो पापा ने कहा बेटा थोड़ा सीरियस होने का टाइम है, रॉजर फेडरर आप बनोगे नहीं, लैंडर पेस मुझे बनाना नहीं। मैंने पापा का गोल हमेशा से बहुत बड़ा रहा, ऑल दो इंडिया में लैंडर पेस भी हमारे आइडल हुआ करते थे क्योंकि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं और उनकी लेगेसी है। फिर पापा ने पूछा क्या खेलना है, मैंने कहा स्पोर्ट्स खेलना है, पापा ने कहा बेटा इंजीनियरिंग कर। तो फिर हमने इंजीनियरिंग करना शुरू कर दिया। और आपने अभी जो पहला प्रश्न पूछा था कि पैसे के साथ क्या रिलेशन था, मेरे को अभी याद है उस पीतमपुरा में जब हम जाया करते थे वहां पे काफी सारी कोचिंग्स हैं, उधर एक मैकडी हुआ करता था, मैकडोनल्ड्स। और बचपन से क्या है शायद हमें ब्रांड्स है ना कुछ दिमाग में डाल दी जाती हैं कि नाइकी एडिडास ये बहुत अच्छे होते हैं, मैकडोनल्ड्स यार ये तो बहुत बड़ा ब्रांड है, कभी खाया नहीं था उसके अंदर। स्पोर्ट्स भी खेलते थे 3rd 4th 5th 7th क्लास में, तो आपको जूते खरीदने होते हैं, सॉक्स खरीदने होते हैं, शॉर्ट्स खरीदने होते हैं, पर कभी भी एडिडास नाइकी की दुकान में जाते हुए ना थोड़ा डर लगता था। तो एक और ब्रांड्स आती हैं लोटो, वो थोड़ी सी रिलेटिवली सस्ती आती है, स्पार्क हो गई ये थोड़ी सी सस्ती आती है, तो हमेशा दिमाग में रहता था यार ये थोड़ी सी बड़ी ब्रांड है। 11th 12th हमेशा उस मैकडी के साइड में से जाते थे, पर कोचिंग के नीचे वाली हमेशा आलू पार्टी खाई क्योंकि वो 10 रुपए में आती थी, और मैकडी के अंदर कभी गए नहीं क्योंकि लगता था यार ये तो महंगा ही होगा। पर हाँ वो चीज भी अच्छी है, मतलब वो भी आप आज के दिन बता पाते हैं किससे की तरह याद आती है। कॉलेज के अंदर जब गए थे 1st ईयर के अंदर, तो मैं पहली बार जब मैकडी गया तो मैं अपने 7-8 दोस्तों के साथ गया था, और मुझे अभी भी याद है मैकडी के आगे मैंने ऐसे करके सेल्फी खींची कि आज फर्स्ट टाइम मैकडोनल्ड्स जा रहे हैं। और उस टाइम वो शायद 35 रुपए की मैक आलू टिक्की आती थी, अब तो शायद कुछ बढ़ गया होगा कम जो भी, पर वही है बचपन से कुछ ब्रांड्स ऐसे दिमाग में सेट करा दिए जाते हैं ब्रांड मार्केटिंग के माध्यम से, पर बचपन काफी अच्छा रहा। बस यही है। वंडरफुल यार। और मैंने ये नोटिस किया अमन, आप क्या आपने अपना यूट्यूब चैनल 2014 में शुरू किया था? नहीं 14 में वो रजिस्टर हो गया था, शुरुआत मैंने 15 में किया था। ओके, तो वो भी बहुत बहुत अर्ली था राइट? अगर आप आज 24 साल के हैं राइट, तो हाँ मतलब आप, हाँ तो मतलब आपने ऑलमोस्ट 16-17 साल की उम्र में वो यूट्यूब चैनल शुरू किया। हाँ मैं 17 का था उस टाइम, तो जैसे ही 12th अपन ने कर ली थी और उसके बाद हम कॉलेज के 1st ईयर में आ गए थे, तो वही 17-18 होते हैं वाले होते हैं, 17 उम्र थी तो तब स्टार्ट किया था। मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं काफी शर्मीला बच्चा था, अगर कोई बोल देता था कि स्टेज पे जाके खड़े हो कुछ बोलो तो पैर कांपने स्टार्ट हो जाते थे, बोला नहीं जाता था। तो सोचा कॉलेज आके यार इस बैरियर को बीट करते हैं और जितनी भी हमें एक्टिविटीज का मौका मिलेगा, जितनी भी सोसाइटी मिलेंगी उन सब में एंटर करेंगे। और फिर किसी ने बोला शीशे के सामने बोलो, अब मैंने शीशे के सामने बोल के देखा बड़ा अजीब सा लगता है, फनी लगता है, नहीं ये तो नहीं बोला जाएगा। फिर किसी ने कैमरा के सामने बोलो, अब कैमरा होते नहीं थे तो वही मोबाइल के जो छोटे मोटे कैमरा उस टाइम 2014-15 में जो क्वालिटी हमने स्टार्ट करा, और मैंने सोचा क्या डम बना सकते हैं, तो कॉमेडी वॉमेडी तो कहाँ से होगी। मैंने कहा मेरे को पढ़ाई आती है, 12th करके आए हैं उसी के बारे में हम बताना स्टार्ट कर देते हैं, और वहीं से शुरुआत कर दी थी। पहले तो वही आपको पता ही है क्या व्यूज आते हैं, 5-10-15 व्यूज आते हैं, और पता नहीं कैसे पर उन 5-10-15 व्यू में 2-3 वीडियो बाद मेरे घर वालों को पता चल गया कि मैं भी वीडियो बनाता हूँ, और वो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मैंने कहा इन्हीं को तो नहीं पता चलना चाहिए था, इन्होंने ही मेरा वीडियो देख लिया। पर उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है बेटा आप ये बना रहे हो, बनाओ ऐसे कैसे करते करते आप इम्प्रूव करोगे और बोलना सीखोगे। धीरे धीरे नीचे कमेंट्स में मैंने देखा बच्चे कहते थे थोड़ा और बताओ थोड़ा और बताओ, ये नोट्स बता दो, ये आप पढ़ा दो, तो मैंने कहा ठीक है। उस हिसाब से मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालता गया, और कॉलेज के 1st ईयर में ऐसे ही स्टार्ट किया था। उस टाइम तो कुछ पता भी नहीं होता था मोनेटाइजेशन या इससे आती भी है क्या, 2014-15 बड़ा कोई इंडियन मोनेटाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे बहुत वीक ही है, आज भी बहुत वीक है। तो बस शुरुआत कर दिया था और मजा आ रहा था करने में। ब्रिलियंट यार। एंड किस पॉइंट पे आपको ऐसा लगा कि यार ये तो अब सीरियस हो गया है? अब तो ऑफ कोर्स यू ऑलमोस्ट हैव लाइक अ एजुकेशन एम्पायर ऑफ सॉर्ट्स, नहीं, जहां आपने
नहीं, यू यू विल बी हम्बल व्हेन यू से दैट, बट गो ऑन गो ऑन. आप अपनी अपनी भाषा में डिस्क्राइब करिए कि आप आज क्या करते हैं. आज के दिन हमारा गोल ये है, हमने जब साल की शुरुआत करी थी तो हम दिन के 8 लाख बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा रहे थे, और मैंने अपनी टीम के साथ, हमारा एक होता है कि यार नेक्स्ट ईयर का हमारा गोल क्या है, तो लोग पूछते हैं कि रेवेन्यू वाइज आप क्या गोल करोगे, अलग अलग वाइज क्या गोल करोगे. मैंने अपने आया सबके सामने और मैंने कहा हमारा एकमात्र एक गोल है, अभी हम 8 लाख बच्चा पढ़ा रहे हैं दिन का, मेरे को ये साल के एंड तक 21 लाख बच्चे करने हैं. ठीक है, तो एक तरह से शॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट 3-fold हमें ग्रोथ लेके आनी है. अभी लास्ट मंथ हमने 16 लाख बच्चे पर डे के हिसाब से पढ़ाए हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है. मैं जब अगर कोई नंबर ट्रैक करता हूँ तो यूट्यूब स्टूडियो के अंदर एक वो होता है कि कितने बच्चे आपको हर दिन देख रहे हैं, मैं सिर्फ उस नंबर को देखता हूँ, और उससे बहुत अच्छा लगता है कि यार इतने सारे बच्चे हैं, इसके में भी अगर 1% बच्चा भी बहुत सीरियस होकर पढ़ रहा है तब भी एक अच्छा नंबर है. और कभी सोचा भी नहीं था 8 लाख जैसा प्रति डे या 15 लाख जैसा प्रति डे पढ़ रहा होगा, और वहां बहुत खुशी मिलती है. और इसलिए मुझे सेमिनार लेना बहुत पसंद है, क्योंकि वो बच्चा जो कैमरे के माध्यम से पीछे होता है उससे सेमिनार के माध्यम से हम जाके 1-to-1 डायरेक्टली मिल पाते हैं, और बढ़िया लगता है. और बस यही है, अच्छा लगे जा रहा है. मैं बहुत बहुत ग्रेट अच्छा है यार. कि 12th तक मैं बहुत शाय था, और पता नहीं कैसे भगवान का या जो भी कैसे यहां तक हम पहुंचे. हाँ, कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा काम किया, पर समहाउ ये राइट मेरे को मिली डायरेक्शन जहां पे मुझे बच्चों का अप्रिशिएशन मिल जाता है, और समहाउ हम ही कंट्रोल में हैं कि हम कितना बेहतर पढ़ा सकते हैं. तो हमने अपनी कंपनी के लिए 5-6 पॉइंट्स रखे हैं कि हमारे बेसिक वैल्यूज क्या हैं, और उन वैल्यूज के साथ उस एक सिंपल गोल के पीछे हम भाग रहे होते हैं. सिस्टम्स बेटर करते हैं जिससे कि उस गोल तक और बेहतर तरीके से पहुंचा जाता है. ब्रिलियंट है, वंडरफुल. जिस जिस पॉइंट पे अमन आपने डिसाइड किया कि आप प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठेंगे, कॉर्पोरेट जॉब नहीं करेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, ये 8 लाख स्टूडेंट्स पर डे गोइंग टू 21 पर डे, एंड भगवान करे और भी ज़्यादा हो, डिड यू हैव टू कन्विंस योर सेल्फ? आई एम अज्यूमिंग कि आप खुद कन्विंस हो गए थे, बट डिड यू हैव टू कन्विंस समबडी एल्स, आपके माँ बाप, दोस्त, कोई और? देखो, दोस्तों को तो ऐसे कन्विंस नहीं करना होता, कन्विंस जिन्हें करना होता है वो होते हैं पेरेंट्स. मैंने घर वालों के पास गया था, मैंने कहा था कि मुझे ये चीज करनी है, और तो घर वालों ने मना किया था ऑब्वियसली. फिर मेरे छोटे भाई को एक दिन आया गुस्सा, क्योंकि उसके वो उस टाइम 9th-10th क्लास में था, और कुछ उसके क्लास के दोस्त जानते थे मेरे बारे में, तो उन्होंने कहा कि यार अमन भैया आपको थोड़ा और एफर्ट डालना चाहिए, ये करना चाहिए. वो पापा के पास गया और बोला, पापा आप अमन भैया का भविष्य बर्बाद कर रहे हो. तो पापा थोड़ा सा डर गए, और पापा ने आके मेरे से दोबारा पूछा. तो मैंने कहा कि पापा डेडलाइन दे लेते हैं, एक मैं इसको 4th ईयर दे देता हूँ और एक 4th ईयर के अगला साल दे देता हूँ. 2 साल में मेरे को अपना जो प्राइवेट काम करना है मैं इस प्राइवेट काम के ऊपर एनर्जी लगाता हूँ, अगर कुछ बना तो ठीक है, नहीं तो यूपीएससी तो कभी भी दे सकते हैं, अभी तो बहुत उम्र बड़ी हुई है. पापा ने कहा ओके एग्रीड. पर मेरे को लगभग लगभग पूरे वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर था मैं धीरे 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 मनाता आ रहा था. पहले तो उन्हें यूट्यूब ही पसंद नहीं था कि कहाँ ये इंजीनियरिंग में हम इतना पैसा लगा रहे हैं और ये क्या टाइम वेस्ट कर रहा है यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं. मैं बुद्ध बना रहा था, 15 मिनट का वीडियो, बाबा 15 मिनट लगे बनाने में, बाबा मान जाते थे कि ठीक है 15 मिनट ही लगे होंगे. और मेरा जो फर्स्ट इनकम आया था वो करीबन 1.5 साल बाद आया था, तो 1.5 साल बाद मेरा पहला इनकम आया था लगभग 14,000 रुपए का, और मैं कॉलेज के शायद सेकेंड ईयर या एग्जैक्ट मेरे को साल याद नहीं, 3rd सेमेस्टर में था या, तो वो मैंने जाके दिया डीएलएफ साकेत मॉल है शायद इधर साकेत के अंदर, और मैंने मम्मी को बिल्कुल प्रॉपर लंच करा दिया. और क्या है कि पहली सैलरी थी मैं 14,000 रुपये. अब 14,000 रुपये देखो मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट था, ठीक है, पर क्या है कि 14,000 वैसे ज्यादा अमाउंट नहीं है. तो मैंने क्या, अगर एटीएम से 500-500 के नोट निकाले, जैसे 28 की गड्डी बने, वो थोड़ी मोटी लगे वो, और वो मोटी गड्डी जाके मैं, ठीक है, वो थोड़ा अच्छा लगे वो. और जब शुरुआत में स्टार्ट हुआ था तो आई गेस दिन के 10 रुपये 15 रुपये इस प्रकार से आ रहे थे, पर वो भी बड़े अच्छे लग रहे थे, क्योंकि लगता था कि आज यार समोसा खुद खाया है, और मेरे को है ना समोसे बहुत पसंद है, तो जब भी मुझे कोई चीज दिखती है मैं उसे समोसे के रूप में देखने लग जाता हूँ कि अगर ये चीज 2,500 रुपये की है तो मतलब 250 तो समोसे, तो मेरे को कौन सी चीज. ये बचपन में मैं करता था 11th-12th क्लास में, अब नहीं करता हूँ, पर उस टाइम मैं करता था, क्योंकि घर से 5-10 रुपए मिलते थे, तो 100 रुपए किया तो होता है 10 समोसे के बराबर, या 10 समोसे खाऊंगा या ये लूंगा, ना 10 समोसे खाऊंगा. तो ठीक है. That is so awesome, यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एंड एंड जहां आप आज हैं, अपनी कक्षा है,
आपका अपना चैनल है, ऑफ कोर्स बहुत सारे आपने 9-10th के लिए भी अपनी कक्षा बनाई है, अपनी मॉम के लिए आपने पूरा एक चैनल भी खोल दिया है. विद ऑल दीज इनकम्स कमिंग इन, आई एम श्योर ब्रांड कोलेबोरेशंस होंगे, आपका अपना कोर्स का बिजनेस है, एड रेवेन्यू आई वुड है. से मोर देन बिजनेस. मैं यहाँ पे थोड़ा सा, हमने आज तक कोर्सेज ही बहुत कम लॉन्च किए हैं, और जो कोर्सेज लॉन्च भी किए हैं वो बहुत छोटे ड्यूरेशन के करें. लास्ट ईयर हमने लंबे करे थे, इस साल बहुत छोटे करें. हमारे केस में क्या है, हमारी टीम पीछे काफी बड़ी हो जाती है, और जेई नीट के टीचर्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं. 50 लाख से लेके उनका पैकेज 1.5 करोड़ तक जाता है. और ऐसे में फिर आपके वीडियो एडिटर्स की एक बहुत बड़ी टीम, और फिर साथ में टाइपिस्ट की बहुत बड़ी टीम, और उसके साथ में फिर सारा सिस्टम मैनेजमेंट. तो ये जैसे ही जारा करते हैं तो YouTube और चाहे जितना ही आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या लेफ्ट राइट से आप जोड़ो, वो उसको कभी भी मैच नहीं कर पाता. और आपको इवेंचुअली जो हमने कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं, दे आर एट द प्राइस ऑफ 3,000-4,000 रुपीज. तो जो कोर्स 3 लाख रुपए का होता था, अब वही आपको जो फैकल्टीज हैं वो आपको 3,000 रुपए में दे देते हैं. बेसिकली माई गोल इज कि देखो, एक है कि अगर हमें इतने सारे बच्चे पढ़ाने हैं, 15-16 लाख बच्चे प्रति डे पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत सारे फैकल्टीज चाहिए, बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी. और अगर मैं सिर्फ अपनी जेब से समहाउ कहीं ना कहीं से, मान लो लेफ्ट राइट से पैसे डाल के लगाता रहूंगा, तो किसी ना किसी पॉइंट पे वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और सिस्टम रन नहीं कर पाएगा. बिल्कुल हाँ, और ऐसे में क्या है कि है क्या कि आज के दिन कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल है. हमारा जो बेस्ट कंटेंट होता है वो हम अपना सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं. मैं अपने टीचर्स को सबसे जाके पहले ये कहता हूँ कि वो कंटेंट बनाना है, मुझे नहीं पता आप मेरे साथ 6 महीने रुकोगे, 1 साल रुकोगे, 3 साल रुकोगे. मैं तो चाहता हूँ आप जिंदगी भर अपनी कक्षा के साथ जुड़े रहो, पर आप जो चैप्टर आज पढ़ाओगे वो चैप्टर वहां पे रहेगा, और उसको लाखों बच्चों देख रहे होंगे, और वो चैप्टर आपकी ब्रांड बनेगा. वो चैप्टर डिसाइड करेगा कि आप कितने बेहतरीन टीचर हो. तो मेरा अल्टीमेट गोल ये है. कल हमने एक अपना कॉलेज भी चैनल स्टार्ट किया था, और अपना कॉलेज अभी राइट नाउ इंडिया में ठीक कर रहे हैं. लगभग वो भी आई गेस लगभग 2.25 करोड़ बच्चे उससे मंथली पढ़ रहे हैं उस चैनल से. और ये गोल है कि मैं इसे समहाउ बूटस्ट्रैप मॉडल में ही आगे बढ़ा के जितना अपना बेस्ट दे सकूं दे पाऊं. 30 की उम्र तक मैं भागूंगा, 30 के बाद मेरे से एक काम करा भी नहीं जाएगा ज्यादातर. 30 की उम्र तक फिर लगभग 10-12 साल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते, और 30 की उम्र में मैं फिर कुछ नया करना चाहूंगा, थोड़ा कुछ ऑफलाइन, विच वुड बी, मेरे को खेती में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है. राजस्थान से हूँ, हमने बचपन से खेती खेती देखी है वहां पे. तो बस वही करने कि इंडिया में थोड़े, रिलेट यार, दैट इज द गोल. वंडरफुल यार, आई लव इट, आई लव इट. आपकी पॉलिटिक्स में कुछ रुचि है अमन? पॉलिटिक्स में नहीं यार, पॉलिटिक्स में ऐसे ज्यादा रुचि नहीं है. ना आपको ये पूछना मेरी फेवरेट पार्टी क्या है, कौन सी फेवरेट पार्टी नहीं 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 आप खुद एक पार्टी है, आपको खुद है. लाइक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ना आप जैसे लोगों को साथ आकर इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को थोड़ा इन्फ्लुएंस करना शुरू करना पड़ेगा. एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट पासिंग द बर्डन ऑन यू, क्योंकि मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूँ जितना आप या कोई भी और सिटीजन इस देश महात्मा का. गांधी ने एक बार कहा था कि आपको सिस्टम का पार्ट होना जरूरी नहीं है अगर आपको सिस्टम बदलना है. जैसे महात्मा गांधी जी की बात करें, या और ठीक कितने है सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं बड़े बड़े, जो कि जिनकी जिन्होंने शहीद भी हुए. अगर ब्रिलियंट यार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही खूबसूरत. लाइक द एम्बिशन इज सो ग्रैंड, सो काइंड, सो थॉटफुल कि मज़ा आ गया सुन के. बहुत बढ़िया यार. तो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप अपनी क्या आप इस पूरी चीज़ को एक कंपनी मानते हैं और एक कंपनी जैसे चलाते हैं? कंपनी मैंने इसको बना लिया था लगभग आज से 9-10 महीने पहले. उससे पहले मैं इसको एक एज अ सिंपल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन में चलाता था. फिर किसी ने कहा तुम्हारी टीम में बहुत ज्यादा लोग हो गए, इसको कंपनी बना दो. प्रोप्राइटरशिप में इतने साल नहीं चलाया जाता है. मैंने कहा ठीक है, कंपनी इसको फिर फॉर्म कर देते हैं. तो वैसे बोलने के लिए ये कंपनी है, पर हाँ हम सारे लोग ऑपरेट करते हैं, साथ में रहते हैं. ये वही ऑफिस है जिससे मैंने लगभग 3 साल पहले शुरू, ये पहले एक गराज हुआ करता था, ठीक है. इस गराज को धीरे से धीरे बिल्ड करते करते ये पूरी एक बिल्डिंग हमने बना लिया, और इस बिल्डिंग में हमने लगभग अपने 10-11 स्टूडियो बना लिया. उन स्टूडियोज के थ्रू हम करते रहते हैं. कोटा में हमने स्टूडियो बना लिया, वहां से हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, और बढ़िया लग रहा है, बस पढ़ा रहे हैं बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. तो आप, सॉरी सर बोलिए. हम. नहीं, सॉरी, मैं बह जाता हूँ, मैं ज्यादा बोलने लग अरे जाता नहीं 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 मेरे को तो बहुत हूँ. मजा आ रहा है यार आपकी ये कहानियां. दिस इज एग्जैक्टली द मोटिव ऑफ द कॉन्वर्सेशन, बहुत ही अच्छा है. मैं ये पूछना चाहता था अमन कि आप महीने की एक सैलरी लेते हैं या एज द कंपनी फाउंडर जब भी आपको जितनी भी जरूरत होती है कंपनी से देते हैं? हाउ डज मनी वर्क फॉर यू पर्सनली नाउ?
मैं अपने आप को सैलरी कहीं से नहीं देता। जैसे मैं आपको शुरुआत की बताऊं, लास्ट ईयर अगस्त में हमने अपने आप को पहली बार एज अ ऐप और वेबसाइट लॉन्च किया। अगस्त से पहले ये स्थिति थी कि आज तक हमने 5 साल जितना भी बच्चों को पढ़ाया, हमने कोई भी पेड कोर्स नहीं बेचा था। पिछले 8 महीने पहले ही हमने अपनी ऐप और वेबसाइट लॉन्च करी थी। और ऐसे ऐसे मंथ हमारे जाते थे जब मैं नेगेटिव -25 लाख होती थी पूरी की पूरी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम कुछ सेल ही नहीं कर रहे हैं। और ये चीज हमारे साथ हुई कंटिन्यूअसली 4 से 5 महीने के लिए। तो जब ऐसी चीजें हुई तो बहुत जल्दी समझ में आ गया कि यार ये तो खत्म हो जाएगा, ऐसे तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसे तो निलबटा सन्नाटा होगा। और निलबटा सन्नाटा होगा तो हमें कुछ करना चाहिए। और ऐसे में मैंने देखा काफी सारे लोग थे जो कि अपने कोर्सेज लॉन्च कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है यार, सबसे मिनिमल प्राइस जो होगा उस पर एक चीज निकालते हैं। बूटस्ट्रैप में आपका जो है आप घर से अपने पैसे लगा रहे हो, और घर से पैसे लगा रहे हो तो जितना आपका प्रॉफिट बच गया वो आपका प्रॉफिट होता है, और अगर आप लॉस मेकिंग में रहे तो जो आपका लॉस है वो सारा आपका लॉस है। बिल्कुल आपकी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी परचेज क्या रही है अभी तक की? फैकल्टीज दैट इज सच अ ग्रेट परचेज. दैट इज सैलरी एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट. उसको तो परचेज बोलना भी निकम्मापन होगा, बट इट मजाक इज. बड़ी हाँ इन्वेस्टमेंट तो फिर रियल स्टेट टाइप ही रहेगी। मजाक हट के रियल स्टेट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। और बिजनेस वाइज पूछोगे तो फैकल्टीज की जो सैलरीज होती हैं, या फिर अगर जब हम स्टूडियोज बनाते हैं तो स्टूडियोज काफी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो वो होते हैं बस। एंड आपने अभी ये जिक्र किया 4-5 महीने का जो काफ़ी मुश्किल समय था आपके लिए. हाँ वॉज दैट द टफेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ व्हेन इट कम्स टू मनी, कि उससे भी मुश्किल कोई वक्त था जहाँ अरे नहीं, पैसे मुश्किल की वजह से? इतना लोड नहीं लेते। मुश्किल क्या, मुश्किल तो बचपन में था। बचपन में मम्मी पापा ने टेक केयर कर लिया, उसके बाद कॉलेज के अंदर तो हमने काम करना स्टार्ट कर ही दिया था। और मैंने कहीं पे पढ़ा था मुश्किल तो हमेशा लास्ट में आएगा, अभी आना बाकी है। सबसे मुश्किल स्थिति तो अभी आनी बाकी है, और जो जब वो आएगी उसको जब हम पार कर लेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज भी हमने पार कर लिया होगा। फुल एनर्जी अपने कंटेंट के ऊपर। और मेरे को टू बी ऑनेस्ट पर्सनली बहुत अच्छा लगता है सेमिनार्स लेना। मैं लगभग 94 सेमिनार्स ले चुका हूँ, और हर दिन जाते हैं। कभी कभी दूर होता है तो सेमिनार के लिए 1-2-3 दिन तक लग जाते हैं। मम्मी पूछती है क्या मिलता है मिलके, मैंने कहा बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है, इसलिए कर लेते हैं। यार तो आप ना द वे दैट आई विजुलाइज यू इज कि आप एक्चुअली एक परफॉर्मर हैं, एंड आपने अपनी कला को इन सारे सालों में बहुत अच्छे से तराशा है, बहुत अच्छे से इम्प्रूव किया है, खुद पे इम्प्रूव किया है. एंड नाउ व्हेन यू परफॉर्म, आई कैन इमेजिन, लाइक आई वुड लव टू बी इन अ सेमिनार वन डे एंड सी यू, बट आई कैन इमेजिन अगर आपकी वीडियो की एनर्जी इज एनी थिंग टू गो बाय, तो बच्चों के ना रोंगटे खड़े हो जाते होंगे यार, कि एक तो हम भैया बिल्कुल सामने एंड देन दी इंटायर सेमिनार एनर्जी एंड यू नॉट जस्ट टीचिंग देम बट ऑल्सो मोटिवेटिंग देम, इंस्पायरिंग देम, क्योंकि ये जो बड़े भैया का जो रूप है ना, सॉरी ये था कि बड़े भैया का जो रूप है वो इतना रेयर है एंड इतना प्रेशियस है हर बच्चे की जिंदगी में, खासकर हिंदुस्तान में, दैट समबडी लाइक यू टू अडॉप्ट दैट इज वॉट दे नीड. अगर 94 सेमिनार्स लिए हैं ना, तो जितनी भी मैंने चीजें बोली हैं, एक व्यक्ति हर 94 सेमिनार्स में अलग अलग चीजें नहीं बोलता। आप ये मान लो 5-6 सेमिनार का कंटेंट होगा जो मेरे को चीजें पता होंगी, और मैं बेसिकली सेमिनार में जाता हूँ। मैं हमारे कभी कभी सेमिनार 3, 3.5, 4 घंटे के भी होते हैं। मेरा मेन उद्देश्य ये होता है सेमिनार को अटेंड करने 400 बच्चे आए हैं। अब इन 400 में से जब तक वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब तक मैं खड़ा रहूँ। मैं पूछ लेता हूँ, हाथ खड़े करते रहो, जो वो बच्चा पूछता है उसी के ऊपर डिस्कशन होता रहता है। और जैसे हमारी ऑनेस्ट टॉक बहुत एग्रेसिव होती है या बहुत एनर्जी पुट इन किया जाता है, क्योंकि वो एक 12-15 मिनट का एक छोटा सेशन है, और उस सेशन के अंदर आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना होता है। पर जब मैं एक सेमिनार हॉल में जाता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ से तो कहाँ भागोगे, आप खुद अपने इंटरेस्ट से आए हो। ये वीडियो थोड़ा ना है कि दूसरे पे चले जाओगे और मुझे भाई ज्यादा आपको एनर्जी लगा के रिटेन करना है। वहां पे मैं बैठता हूँ, मैं कहता हूँ आपका जो जेन्युइन डाउट है वो पूछो, कोई कैमरा वैमरा बाहर निकालो मत, कोशिश करो इसे रिकॉर्ड करके कहीं भी मत डालो, जिससे कि मैं जितना फ्रैंक रह सकूं उतना फ्रैंक रह पाऊं। और जितने ये 300 तुम लोग हो, कुछ अगर मैं दे पाऊं, अगर मैं थोड़ा बहुत सिखाऊं, तो वो आप अपने साथ लेके चले जाना। Awesome, यार, आई लव इट, आई लव इट. परफेक्ट यार, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन 5 सवाल रैपिड फायर, जो भी आपके जहन में इमिजिएटली आएगा अमन बताइएगा, और अगर दिलचस्प आंसर हुआ तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा क्यों. पहला, हाँ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मनी या पावर फॉर यू?
आई गेस पावर चार पांच फॉर्म में होती है, तो आई वुड से मनी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पावर, और ऑब्वियसली मतलब मनी पावर का एक सब कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, तो दे हैव पावर, पार्ट ऑफ बिकम वन सेम. ब्रिलियंट, आई एग्री अपनी कक्षा या अपना कॉलेज, अगर एक पिक करना अरे यार ये क्या करा रहे हो. अरे यार मेरे सारे टीचर्स आपस में लड़ पड़ेंगे. अच्छा आप वो चैनल पसंद है. अच्छा वो ये आप, पता चला आपने उस दिन जो बोला था अब समझ में आया क्यों बोला था। अरे यार दोनों ही बहुत अच्छे हैं. इट्स लाइक आप अपने मैंने आपको क्या लगता है ज्यादा इंपैक्ट आप कहां क्रिएट करना चाहेंगे, फॉरगेट की कहां होगा, क्योंकि शायद दोनों ही जगह पे ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो अपनी कक्षा में ज्यादा इन्वेस्टमेंट जाता है क्योंकि फैकल्टीज बहुत हायर एक्सपेंसिव एंड पे आते हैं. और अगर आप फ्यूचर में मुझसे पूछते हो तो मुझे लगता है कि अपनी कक्षा अभी तो अच्छा कर रहा है, पर अपना कॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मार रहा होगा और मुझे उससे हाई होप्स हैं. आई वुड 100% अग्री विद दैट यार। बढ़िया। रात को 1 बजे सोना या सुबह 4 बजे उठना? रात को 1 बजे सोना है. और ये मेरे फेजेस पे डिपेंड करता है, मतलब 12th क्लास तक अलग एक फेज होता है स्टूडेंट फेज तक, फिर कॉलेज के 4 साल एक अलग फेज होता है, और फिर जब आप जॉब सेक्टर में आ जाते हो तब एक अलग फेज आपका शुरुआत हो जाता है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हालांकि आप 24 साल के ही हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपको ये दो चॉइसेस दूँ कि अमन आपको आज मैं 50 करोड़ रुपए देता हूँ, जो भी आप करना चाहते हैं, या मैं आपको फिर से 20 साल का बना दूंगा, लेकिन जो कुछ भी आप आज जानते हैं वो हर एक चीज़ आप 20 साल पे ही जानते होंगे, विच वन वुड यू चूज? नहीं हमें तो अभी भी मिले हैं 350-400 करोड़ का ऑफर, मना करती. तो आप अगर 4 साल फालतू और दे दोगे मैं कैसे ले लूंगा. Awesome, I love it, brilliant. Last, लोग आ जाते हैं ना. लास्ट सवाल, आप अपनी अभी अमन ऑफ टुडे, आपको क्या लगता है कि आपकी जिंदगी का सबसे महंगा परचेज क्या होगा, या आप किस चीज को खरीदना चाहेंगे जो आपको लगता है सबसे ज्यादा पैसा लेगी? मैंने जो आपको बताया था मेरे को फार्मिंग करनी है 30 की एज में, तो मैं जो लैंड एक्वायर करना चाहता हूँ वो एक बड़ी लैंड होगी, वो एक बैरन लैंड होगी. और सबसे पहले क्या है कि अगर 30 में फार्मिंग करनी है तो उसको 27-28 2-3 साल उसका वाटर लेवल भी अप करना जरूरी है, क्योंकि आप अगर ऑलरेडी एक अच्छी वाटर लेवल वाली जमीन लोगे तो वो बहुत महंगी पड़ेगी आपको. तो आप एक बैरन लैंड पकड़ते हो जिससे कि जमीन ज्यादा मिल पाए आपको, और उसका आप 2-3 साल में वाटर लेवल अप लेके आते हो. और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आई गेस उधर जा रहा होगा, पर वो अभी नहीं है, वो मतलब 4 साल बाद हो रहा होगा वो इन्वेस्टमेंट तो अभी उसका. ऑसम यार, भगवान करे वो बिल्कुल जिस हिसाब से आपने सोचा है वैसे ही हो, उससे बहुत ज़्यादा आगे जाके हो। एंड इट वॉज सो लवली टू स्पीक टू यू अमन, आपके ऑनेस्ट, बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत ही कैंडिड थॉट्स सुन के बहुत अच्छा लगा। एंड इट इज़ सच अ वंडरफुल थिंग दैट यू आर डूइंग, कीप डूइंग इट, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर स्पेरिंग टाइम। इसमें मैं लास्ट में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा. प्लीज़। मैं नहीं चाहता ये जो सेशन है ये मेरे बारे में बने, ठीक है. हमारा सेशन का नाम है सेशन विद अमन भैया एंड अंकुर वारुको जी. बट एक चीज ध्यान रखना यार, जितने भी बच्चे अगर आप देख रहे हो अभी, ये मत सोचो कि आप अभी कहाँ पे हो, हमेशा ये देखो कि आपको कहाँ जाना है और वहां तक जाने का आपका रास्ता क्या होगा. हम कभी कभी लोगों को देख लेते हैं कि यार ये व्यक्ति तो यहाँ पहुंच गया, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं. मैं भी देखता हूँ बहुत लोगों को जो कि अपने लाइफ में पता नहीं कहाँ कहाँ आगे पहुंच रखे होते हैं, और हमेशा मैं अपने आप को ये बताता हूँ कि एक मैराथन रेसर की तरह भागो, कॉम्पिटिशन अपना सिर्फ स्वयं से रखो. ये एक बहुत लंबी रेस है, हर एक जानवर से सीखो, आदमी से सीखो, हर एक से सीखो. पर अगर आप हर एक से कम्पीट करने लग जाओ कि यार मेरे को इससे भी कम्पीट करना है, शेर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इंस्टेंट एनर्जी लाता है, पर वुल्फ स्टेमिना से मारता है, वहीं पे हाथी है साइज से मारता है, और अजगर है तो पेशेंस से मारता है. तो आपको देखना है कि यार भगवान ने आपको क्या शक्ति दी है, या ऐसी कौन सी चीज है जो बचपन से आपने अपनी स्ट्रेंथन करी है. अगर आपको वो नहीं मिली कोई बात नहीं, हमें भी नहीं मिली थी बहुत सालों तक, तो आप ढूंढते रहो ढूंढते रहो. कभी भी अपने आप को छोटा मत समझना, हमेशा अपने आप पे बिलीव रखते रहना. आप गिरोगे, बहुत बार गिरोगे, एक नहीं बहुत बार गिरोगे, और हर एक के अंदर बहुत कमियां है. मेरे अंदर हजारों कमियां, लाखों कमियां है. मेरी मम्मी रोज मुझे सुबह उठ के बोलती है ब्रेकफास्ट टाइम पे नहीं खाता, से लेके जो बचपन में हम डांट खा रहे थे अभी तक खाते हैं. पर हम ये देखते हैं कि यार एक चीज है और ये मेरे को बेहतर करते रहनी है, और हाँ हर दिन मैं अपना एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश करूंगा. हर आदमी डीमोटिवेट होगा, आप अपने आप को वापस पिकअप करते हो. ह्यूमिलिटी रखो, ह्यूमिलिटी आज के दिन बहुत ज्यादा है. एरोगेंस नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, वरना
ये लाइफ है, ये आपको एक बार बहुत बढ़िया तरीके से गलत करेगी, फिर ह्यूमिलिटी आएगी, मेरा रिस्क कोई नहीं है आपको रोकने वाला, आपके 20s के अंदर आपके अलावा आपको रोकने वाला कोई नहीं होता, हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बनने की कभी कभी कोशिश करते हैं, वो बेसिक ह्यूमन नेचर है। पर यार अगर बिलीव रखोगे तो अगले 5-6 साल के अंदर थोड़ा 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 करके आप अपने गोल की तरफ यार पहुंच रहे होगे। बस इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। आई होप कि आप में से जितने भी कुछ बच्चे हैं उनको मैं थोड़ी बहुत सहायता कर पाया हूँ, और मिलते रहेंगे। दैट्स इट। बहुत बढ़िया यार, ब्रिलियंट एंडिंग, आई लव दैट। थैंक यू सो मच अमन, थैंक्स फॉर एवरीथिंग यार, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, एंड आई होप आई गेट टू मीट यू इन पर्सन सूनर देन लेटर। अंटिल देन आप अपना अच्छा काम करते रहिए एंड आपकी एनर्जी बरकरार रहे। YouTube Shorts के लिए एक डेडिकेटेड चैनल लॉन्च किया गया है जिसपे आप सिर्फ वो 60 सेकेंड के शॉर्ट्स देख सकते हैं, नो लॉन्ग फॉर्मेट कॉन्टेंट टू कन्फ्यूज यू, एंड होपफुली दो 60 सेकेंड्स विल हेल्प यू जस्ट एज मच एज दीज लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज डू। सब्सक्राइब करिए, पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टू द वारिकू शॉर्ट्स चैनल।